हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये प्लस वन फिजिक्स का 23rd लेक्चर, 23वां जो ये लेक्चर रहने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, उसी में हम एक नया जो स्पेशल केस है उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में जो है एक एग्जाम्पल की मदद से उसको हम समझेंगे। मैंने जो ऑर्डिनरी स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ऑर्डिनरी हम कोई भी स्टैंडर्ड जो स्केल लेकर के चलेंगे, वर्नियर कैलिपर लेकर के चलेंगे, तो उसमें आपके पास क्या कंडीशन दी होती थी, हमेशा हमारे पास ये कंडीशन दी जाती थी, ठीक है। जब हम 5% की बात कर रहे थे, मैं बोला था कि 90% तक तो ये आपको ये मिलेगा देखने के लिए, बट किसी किसी केस के अंदर 5% जो केसेस है उसके अंदर वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो आपकी उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी आपके मेन स्केल के डिवीजन से। तो वही चीज़ वही जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एक वो आज की क्लास में हम करेंगे। और ये जो एग्जांपल मैंने उठाया है ये आपका जेई 2016 उस एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी मदद से हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे, एक बार देखेंगे। और जिन स्टूडेंट्स की पिछली क्लासेज छूट गई थी तो उनको ऊपर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, प्लस वन क्लास की, ऊपर आई बटन जो दिख रहा है वहाँ से, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कहीं से भी उन लेक्चर्स को जा करके देख सकते हैं, दोनों जगह उनके लिंक अवेलेबल हैं। ये इसके ऑप्शंस हैं चार, इनमें से हमें फाइंड आउट करनी है C1 और C2 की जो रीडिंग है, ये आपके मीटर स्केल और वर्नियर स्केल जो है वो दिए गए हैं, ये मीटर स्केल MS और ये आपका वर्नियर स्केल VS, ठीक है। तो जो नीचे है आपका ये ब्लू कलर से जो बनाए हैं मैंने, ड्रॉ किए हैं, ये आपका वर्नियर स्केल है, और ऊपर वाला जो है आपका मेन स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग आपको पता है उसकी यूनिट्स हमेशा आपकी सेंटीमीटर के अंदर होती हैं, जब तक उसको स्पेशली किसी अदर यूनिट के अंदर दिया ना जाए। तो हमारा ये जो स्टैंडर्ड होता है इसका वो क्या होता है आपका मेन स्केल का, वो होता है हमारा सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो अभी आज के इस न्यूमेरिकल को देखते हैं एक बार, स्पेशल केस में हम क्या कहते हैं। पहले तो C1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ताकि जो आपका पिछला है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर C1। तो C1 के लिए हमें क्या करना होता था, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से हम एक जो लिस्ट काउंट का हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, 1 MSD जो था उसके मल्टीप्लाई में 1 - x / y हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करते हैं इस 1 MSD की वैल्यू, तो 1 MSD में अगर हम इसमें देखें, इस डायग्राम में ही दिया गया जो दिया गया है और कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं है, तो इस डायग्राम में हम अगर देखते हैं काउंटिंग करते हैं तो आपके पास कितने जो है डिविजन्स हैं, एक जो ये 2 से 3 जो इसने सेंटीमीटर ये चला है उसके अंदर कितने डिविजन्स आए हैं, कितने पार्टीशन किए हैं, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसने टोटल 10 पार्ट जो हो किए हैं। तो हमारे पास 1 मेन स्केल की जो डिवीजन है वो किसके इक्वल होगी, 1/10 या फिर 0.1 के इक्वल होगी, ये सेंटीमीटर के अंदर है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई हमने कहाँ करनी है, 1 - x क्या होता था आपका मेन स्केल पर कितने डिवीजन बनेंगे ये आ गया, और नीचे आपका वर्नियर स्केल पर कितने टोटल जो है डिविजन हमारे पास इतने लेंथ के अंदर बनेंगे, तो वो हमारे पास 10 बनेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इजीली इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 0.1 × 1/10 आएगा, तो यहाँ से 0.01 सेंटीमीटर जो आपका वो लिस्ट काउंट आ जाएगा हमारा इस फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। तो अब इस लिस्ट काउंट को हमें क्या करना होता था, टोटल रीडिंग जब निकालेंगे तो हमें देखना होता था कि किस रीडिंग पर आकर के वो एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल की जो डिविजन थी वो कोइंसाइड कर रही है। तो हमारे पास जो है ये जो रीडिंग है ये वाली, ये एग्जैक्टली इसके साथ जो है कोइंसाइड कर रही है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7th जो डिवीजन है आपका वर्नियर स्केल का वो किससे मैच कर रहा है आपका, वो हमारे इस मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। उससे पहले हम डायरेक्ट अगर देखना चाहें, यानी कि मेन सेंटीमीटर्स के अंदर ही अगर हम नोट करना चाहें, तो आपके पास जो मेन स्केल की जो MSR हम बोलते थे मेन स्केल रीडिंग, वो कितनी आ रही है, ये 2 तक, उससे आगे भी एक स्केल है एक सेंटीमीटर जो उससे आगे भी बचता है 0 से 1, 1 से 2 तक का, बट हमें ये क्या दिया गया है 2 से स्टार्ट हुआ है,
तो यानी टू तक तो ये कन्फर्म हो गया, टू प्लस में ये क्या आ गया आपका 2.5, ये है 5 के बाद 6, 7, 8, यहाँ तक आपके पास जो आई है लेंथ वो हमारे पास फिक्स है। तो यहाँ हमारे पास एम एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टोटल रीडिंग मैंने लिख दिया है और यहाँ मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है फॉर्मूला था है हमारा बेसिक। तो यहाँ आपके पास मेन स्केल की जो रीडिंग आई है वो क्या आई है 2.8 सेंटीमीटर आई है इस डायग्राम के अंदर। ध्यान से देखो ये 8 यहाँ पर, यहाँ तक हम इसको देख सकते थे, इससे आगे जो है कन्फ्यूजन या यूं कहें जो एरर बना है वो यहाँ पर आकर के बना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 2.8 सेंटीमीटर इसकी एम एस आर की वैल्यू आ गई। अब बात करें वर्नियर स्केल रीडिंग की, तो वर्नियर स्केल रीडिंग किसके इक्वल आती थी आपकी, जो लिस्ट काउंट है आपका उसको जब हम जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है आपके मेन स्केल के साथ, वर्नियर स्केल की जो डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर रही है वो कितने नंबर की डिवीजन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पीछे जो है वो ये सेवन्थ है आपकी, इस सेवन को इस लिस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई करके आप ऐड करते हो तो आपके पास 2.87 सेंटीमीटर जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो सीवन था इसके लिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.87 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे जो क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए गए थे यहाँ से हम कुछ नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, हमें ये मेंटलिटी भी कोई भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए लगानी होगी कि हम जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनको एलिमिनेट करना सीखें, ठीक है। तो यहाँ में क्या दिया गया 2.87 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर 2.85 आया है, यहाँ पर 2.86, तो ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं, ये दो ऑप्शंस जो आपके ये तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए हमारी इसी वैल्यू से। अब ऑप्शन आता है कि ये वैल्यू होगी या ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी सेकेंड की भी, अगर बाई चांस यहाँ पर भी कुछ और दिया होता कोई वैल्यू में चेंज होता तो आपका इजिली ये हो जाता, या इसमें कोई चेंज होता तो ये हो जाता, बट यहाँ से आपके दो एलिमिनेट हो गए हैं ऑप्शंस, तो अब आपके पास ये दो बच गई। अब इन दो में से हमें फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर किससे मैच होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है C2 के लिए, जब हम C2 के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे फॉर C2 हमारे पास, अगर एक बार आप खुद से वीडियो पॉज करके इसको करके करने की ट्राई करो, आपके पास क्या दिया गया है। अगर हम बेसिक से चलें, मान लेते हैं कि हमें ये नहीं पता, अगर हम इस ये दिया गया है बट हमें ये नहीं मालूम कि हम कैसे करें, हम जो अभी तक करते आ रहे हैं उस चीज़ को हम अगर फॉलो करते हैं तो आपके पास क्या है, यहाँ से हमारे पास लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, डिविजन्स तो उसमें भी वही 10 हैं, ठीक है ना, 10 पार्टीशन हो रहे हैं एक सेंटीमीटर के अंदर, तो यहाँ से आपके पास वो तो वही आ जाएगा एम एस डी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ 1 - x की वैल्यू क्या है आपके पास 11, और नीचे कितनी है आपके पास वर्नियर स्केल पर 10 है, क्योंकि ये दिया हुआ है 11 MSD जो है वो किसके इक्वल है 10 VSD के, तो ये क्या आ गया 11/10 हो गया। अगर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.1 × −1/10 जो है ये आ जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा −0.01 सेंटीमीटर जो है इसकी लिस्ट काउंट आएगी। बट लिस्ट काउंट क्या था आपका, वो हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट जो डिफरेंस था आपका किन्हीं भी दो लेंथ का, क्योंकि हम लेंथ को ही तो मेजर कर रहे हैं वर्नियर स्केल से यहाँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव में आई है, तो नेगेटिव में हम कभी भी लेंथ को नहीं मेजर कर सकते, इस वजह से ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये हम इसका यूज जो है इस लिस्ट काउंट का इस दौरान जो है वो नहीं कर सकते, ये हमारे लिए गलत हुआ। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करें, एक बार फिर से देखो हमारा जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो, हमारा ये डायग्राम जो है ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ तक का हमारे पास फिक्स है, इससे इस तरफ का जो फिक्स है 2.8 सेंटीमीटर मेन स्केल की जो रीडिंग है वो आपकी फिक्स दी गई। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो ये लिस्ट काउंट होता था आपका वो क्या होता था, वो होता था हमारा जो मान लीजिए यहाँ से हमने वर्नियर स्केल हमारा स्टार्ट हुआ है और ये जो था, तो ये जो डिफरेंस था आपका वो उस तरफ भी हो सकता है, वो इस तरफ भी आ सकता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस तो था आपका लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या था आपका स्मॉलेस्ट डिफरेंस था आपका, स्मॉलेस्ट जो उसके बीच में जो दूरी थी जो लेंथ थी वो थी आपकी। तो यहाँ से आपका लिस्ट काउंट हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसका जो लिस्ट काउंट है वो कैसे, वो लिस्ट काउंट के नाम से ना होकर के किसी और नाम से हम देखते हैं,
क्योंकि इसका कोई प्रॉपर हमें फॉर्मूला नहीं, इसको हम बस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देखो ध्यान से एक बार, ये आपके पास कोई लेंथ दी गई है, ठीक है, ये आपके पास कोई लेंथ दी गई है, इस लेंथ से इस लेंथ तक आने के लिए, क्योंकि हमें यहां पर भी ये देखना होगा कि किसके साथ हमारा वर्नियर स्केल जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो कहां पर कर रहा है, इस पर आकर के, इस सेवंथ वैल्यू पर आकर के आपका कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे। अगर अब हम इसकी लेंथ की बात करें, ठीक है, ये आपके पास कितनी आ गई, 0.8 सेंटीमीटर, यहां से देखो 2.8 से आगे जब काउंटिंग करते हो आप, ये कहां तक आ रही है आपकी, 3.6 तक, तो ये आपकी लेंथ जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों डिविजन के बीच में वो कितनी है आपके पास, 0.8 है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, आपके पास जो ये जो डिफरेंस बचा है ये जीरो, इस वर्नियर स्केल की जीरो और जो ये आपका 2.8 का जो डिवीजन था मीटर स्केल पर, इसके बीच में हमारे पास क्या था, ये मान लीजिए 2.8 का जो है डिवीजन है आपका, और ये आपका जीरो का डिवीजन है आपका वर्नियर स्केल पर, ये है। जब हम इस डिस्टेंस की बात करें, ये जो डिस्टेंस बचता है आपका, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या दिया गया है, 3.6 दिया गया है, ये सब मेन स्केल की वैल्यूज हैं, बट ये यहाँ पर आने के बाद इसकी क्या वैल्यू आई है आपके पास वर्नियर स्केल की, वो 7 आई है। अब हम इस चीज को कैसे फाइंड आउट करें, इस लेंथ को, ये जो टोटल लेंथ है इसमें से अगर हम इस लेंथ को रिमूव कर दें तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। अगर हमें इस लेंथ को फाइंड आउट करना है तो हम इस लेंथ को अगर इस टोटल में से निकाल दें तो वर्नियर स्केल की जो लेंथ है आपकी वो आ जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार देखो आपको मैं लिख करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास क्या दिया गया, 0.8 सेंटीमीटर जो आपकी टोटल लेंथ आई है, तो ये 0.8 जो है आपका ये टोटल लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है। उससे पहले एक बार एक चीज और लिख लेते हैं हम, कि हमारे पास जो टोटल रीडिंग आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो हमारी मेन स्केल की रीडिंग कितनी थी, 2.8 प्लस में उसमें कुछ एक्स जो है वो एड होगा, एक्स मान लो एल मानो, एम मानो, जो भी मानो आप, वो होगा। तो आपके पास ये 2.8 तक तो यहाँ तक था, इसमें जो ये लेंथ है ये मैंने जूम किया तो ये जो लेंथ है इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ये आपका एक्स आ गया। तो इस एक्स की वैल्यू को जब हम इसमें ऐड करेंगे मेन स्केल की जो रीडिंग है उसमें, तो आपके पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। इस चीज को जब आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, अब नेक्स्ट जब हम इसमें बात करते हैं इस एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास क्या है, ये जो लेंथ मैंने अभी बताई थी 0.8 थी यहाँ से यहाँ तक की, इसमें से हम क्या रिमूव कर देंगे, हम x को रिमूव कर देंगे तो आपके पास किसकी लेंथ आ जाएगी, इस पार्ट की। तो ये आपका ये पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आपको, इजी सा था। अब हम वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक वर्नियर स्केल की, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जो ये कंडीशन दी गई है, यहाँ से आप इसको जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास 1 VSD जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 11/10 MSD के, ठीक है। ये यहाँ से इसको जब मैंने रीअरेंज किया तो ये 10 जो इसके नीचे चला गया और यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब बात करें अगर हम हमारे MSD की, तो मेन स्केल डिवीजन जो हमारे पास आया था वो किसके इक्वल था, वो भी आपका, क्योंकि एक सेंटीमीटर के अंदर 10 पार्टीशन हो रहे हैं, 10 डिवीजन बने हुए हैं, तो 1 MSD की क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 1/10 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 1 VSD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.11 सेंटीमीटर, ये जो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आप यहाँ पर जब रखेंगे इसकी जगह VSD की जगह, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 0.11, और ये आपका सोल्व होने के बाद 0.8 माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0.77 जो सेंटीमीटर था आपका, क्योंकि दोनों लेंथ क्या आ गई अब आपकी सेम यूनिट्स के अंदर आ गई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.77 भी, ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करते हो दाएं बाएं राइट इसको लेकर के जाओगे LHS RHS को, तो आपके पास क्या आएगा, 0.8 माइनस 0.77, इसमें से हम 0.8 में से कुछ रिमूव करते हैं वो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ से, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.03 जो है
वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल काम बच गया, इस x की वैल्यू को टोटल रीडिंग की इस वैल्यू के अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास टोटल रीडिंग थी, वो किसके इक्वल आ गई, 2.8 प्लस 0.03 जो है ये आ गया। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.83 सेंटीमीटर की जो वैल्यू आई है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब हमारे पास जो C1 की वैल्यू आई थी 2.87, ठीक है, वो दोनों ऑप्शंस में थी, बट 2.83 जो आपकी आपके पास C2 की वैल्यू आई, तो आपका ये वाला जो सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ये देखा कि लेंथ किसके इक्वल है, इसमें से हमने जो टोटल लेंथ थी उसमें से अगर हम एक्स को रिमूव करते हैं तो आपके पास किसके इक्वल बचती है, वो हमारे इस 7VSD के इक्वल बची थी। इस 7VSD के इक्वल जब करेंगे, एक VSD की वैल्यू को फाइंड आउट करो, इस VSD की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि हमें दिया गया है कि वो कितने MSD के इक्वल है, वहाँ से कंपेयर करके हम VSD की वैल्यू निकाल लेंगे, और MSD की वैल्यू पुट करके वो चीज़ हमने निकाली जिसको यहाँ पुट करके इजी मैथ था आपका, उसको हम प्लस माइनस करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक दो अगर आपको न्यूमेरिकल और मिलते हैं तो आप एक बार उसको ट्राई करना। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, हम जो ये क्या केस थे सभी के सभी, जब जीरो एरर है, फ्री फ्रॉम जीरो एरर। अब नेक्स्ट जो हम एक बार देखेंगे कि जीरो एरर क्या चीज़ है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या है, जीरो एरर। इस जीरो एरर के केस में हम देखते हैं कि जब हमने हमारा जो वर्नियर कैलिपर था उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट जो था आपका, वो एम्प्टी इंस्ट्रूमेंट कहें या फिर उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू की मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसके जो जार्स थे उनको हमने आपस में, क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस होता था कुछ ए बी के बीच में, उस डिफरेंस को हमने बिल्कुल जीरो कर दिया, उसी ए बी के अंदर ही हम रख करके हमारे उन किसी भी चीज़ की जो लेंथ निकाल रहे थे या डायमीटर वगैरह निकाल रहे थे तो वो मेज़र कर रहे थे। तो इन दोनों जार्स को जब हमने एकदम सटा दिया, एकदम बिल्कुल एक साथ कर दिया, तब हमने जो नोट किया वो क्या किया कि हमारी जो मेन स्केल पर कोई जीरो है और जो हमारे वर्नियर स्केल पर जो जीरो है, इन दोनों के बीच में कोई एक जो कोइंसाइड नहीं कर रही है दोनों के दोनों, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम जीरो एरर बोलते हैं। एक बार देखेंगे, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका मेन स्केल है, और एक केस और देख लेंगे इसमें हम। ये आपका मेन स्केल बना हुआ है। ठीक है, अब बात करें अगर हम हमारे इस, ये आपका जीरो है मेन स्केल पर, ये आपका जीरो है मेन स्केल पर। अब जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि जब हमने इसको जो है आपके जो इंस्ट्रूमेंट को रखा बिल्कुल बिना किसी लेंथ के, बिना किसी उसके अंदर जो मेजरमेंट किए हुए, तो आपके पास क्या मिला, जब ये जो नीचे जो आपका था वर्नियर स्केल, इसकी जो जीरो है वो यहाँ थी, और नेक्स्ट जो टर्म्स थी वो आगे एज सोन जो चलती जाती है इसकी, जैसे इसकी रीडिंग्स आती हैं, जैसे इसका जो स्केल होता वो था एज इट इज था सेम बाकी, बट यहाँ पर कुछ एक केस अलग बना, यहाँ पर जो है वो कुछ इस डिफरेंस के साथ आई और वो आगे चला गया। तो ये जो वर्नियर स्केल था आपका नीचे वाला, इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, ये जीरो यहाँ है और ये जीरो यहाँ है, क्योंकि जीरो अगर जीरो से कोइंसाइड नहीं करेगी दो स्केल्स की, तो वो कहाँ जा सकती है, या तो वो पीछे चली जाए या फिर वो आगे चली जाए। तो जब आगे जाती है और पीछे जाती है, उस चीज़ को हम, ये सब ये दोनों जो केस हैं ये किसके केस हैं, आपके जीरो एरर के केस रहेंगे। ठीक है, अब जीरो एरर को अगर हम देखें तो ये दो तरह का जीरो एरर आ गया, एक आपका ये क्या है पॉजिटिव जीरो एरर, ये क्या आपका नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो इसी डायग्राम में, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर है, ये आपका नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, जब हमारी वर्नियर स्केल की जो जीरो है मेन स्केल के रिस्पेक्ट में, मेन स्केल की जीरो के रिस्पेक्ट में कहाँ सरक गई आपकी, राइट हैंड को सरक गई है, मूव कर गई है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। वही सेम काम हम क्या करते हैं इसके अंदर, जब हमारी वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट साइड में सरक गई है वो,
तो आपके पास मूव कर गई है लेफ्ट साइड में, तो आपके पास क्या आ गया था, नेगेटिव जीरो एरर आ गया था। ठीक है, ये इसके दो स्पेशल केस थे कि हमारे पास जो टाइप है जीरो एरर का वो क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें हमारे पास रीडिंग कैसे आएगी। मान लीजिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब है, एरर है उसमें, ये एरर आ गया, तो अब हम इसमें लेंथ को मेजर करते हैं। मान लीजिए ये था आपका नेगेटिव वाला केस, पहले ले लेते हैं, तो आपके पास हमने रीडिंग जो लेनी स्टार्ट की, तो आपके जो जाज थे उस उन्होंने जब चलना स्टार्ट किया, एक जाज जो था आपका जो हम उसमें उसको मूव करवा रहे थे उसको, तो आपके पास क्या आया था कि हमारे पास हमने जब इसमें वैल्यूज के बीच में इन जाज के बीच में कोई चीज रखी, ये लेंथ जो थी, तो आपके जो स्केल था आपका उसने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, आपकी जीरो ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस जा से भी पीछे ये कहीं पर यहाँ पड़ी थी, इस जो जीरो थी आपके पास जो यहाँ पर मान लीजिए जीरो स्टार्ट थी तो ये यहाँ पर थी। ठीक है, तो यहाँ से जो ये लेंथ आई है आपकी, ये लेंथ, इस लेंथ का क्या होगा, क्योंकि इतनी वैल्यू जो थी आपकी जो एक्चुअल जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी, टोटल जो रीडिंग आएगी उसमें से आपके पास क्या निकल करके आएगी, वो वैल्यू जो आपकी कम होगी। तो हमें करेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जितनी वैल्यू हमारे पास जो पीछे रह गई थी उसको ऐड करना होगा। इसको आप इसका जो मैं फॉर्मूला और लिख देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट या ट्रू, वो किसके इक्वल आएगी आपकी, वो हमारी जो टोटल रीडिंग हमने फाइंड आउट की थी, टोटल जो रिजल्ट फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसमें से अगर हम जीरो एरर को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, करेक्ट या ट्रू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव के केस में आपके पास कोई वैल्यू आई, मान लीजिए कि कोई एरर आया, वो कितना आया, वो माइनस 0.5 आ गया। ठीक है, इस 0.5 को यहाँ से रिमूव करोगे, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ थी आपके पास, ये इस जीरो से पीछे थी, ये जो आपकी वर्नियर मेन स्केल की जो जीरो थी इससे पीछे गई थी, तो ये वैल्यू थी, वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उतनी ही वैल्यू आपकी इस टोटल रीडिंग के अंदर ऐड हो जाएगी और आपकी करेक्ट वैल्यू जो हमें मिल जाएगी। ऐसा ही सेम केस अगर हम इसमें मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास जो है वो क्या थी, आपके पास प्लस 0.5 जो है कोई जीरो से आगे वैल्यू आपकी स्टार्ट करती है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ जो टोटल रीडिंग जो आई है वो ज़्यादा जाएगी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से, तो वो आपके यहाँ रखेंगे जब हम इस 0.5 को, तो यहाँ से आपके पास जो टोटल रीडिंग में जितना ऐड होकर के आई थी उतना ही उसमें से हमारे पास हम कम कर देंगे उस एरर को, तो आपके पास जो है वो करेक्ट या ट्रू वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर के अंदर जो है एरर का केस था, जीरो एरर क्या होता है। इससे पहले कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, जितने भी टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड किए हैं वर्नियर कैलिपर से, उनमें हमने जो डिस्कस किया वो क्या लेकर के चले थे हम, कि वो फ्री फ्रॉम जीरो एरर है, वो जो मेजरमेंट है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो किसके साथ मैच कर रही है आपकी, वो आपके मेन स्केल की जीरो के साथ जो है वो मैच कर रही है, एग्जैक्ट मैच कर रही है, एक लाइन में है, वो कोइंसाइड कर रही है दोनों एक दूसरे से, तो उस केस को हम लेकर के चले थे स्टैंडर्ड केस को। बट कहीं अगर आपका एक्सपेरिमेंट हमने किया उसके अंदर आपके पास ये जीरो एरर का कोई केस दे दिया, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम टोटल जो रीडिंग है उसमें से एरर को रिमूव कर देंगे तो आपके पास करेक्ट जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, जेई वगैरह के अंदर भी आते हैं, उसमें आपसे डायरेक्ट दे देता है किसी किसी जगह पर कि इतनी वैल्यू है, ये जीरो एरर है, इसको अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो टोटल रीडिंग ये आ गई, तो वो सारी चीज़ देता है, हमें क्या रिमूव करना होता है, उसकी टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को रिमूव करना होता है, या फिर आपको वो जो है डायग्राम की हेल्प से दिखाता है, वो डायग्राम में ऐसे करके दे देगा आपको जो है एक जो रो है, एक जो आपका डिवीजन है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, वो मैच करवा देगा, तो वहाँ से आपके पास जो आएगा वो चेंज, वहाँ से हम उसका टोटल रीडिंग निकालेंगे और उसमें से जो आपका एरर था उसको निकाल देंगे, तो आपके पास करेक्ट या ट्रू वैल्यू जो इसकी आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसमें जब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एरर, ये जो जीरो एरर रिमूव कर रहे हैं हम, तो ये जीरो एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, तो इनको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस जीरो एरर को फाइंड आउट अगर हमें करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो आपके पास जो, क्योंकि डायग्राम के अंदर आपको डायरेक्ट ना दिया गया हो कि इतने परसेंट या इतना जो है जीरो एरर है, तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कैसे करेंगे हम, जो भी आपका पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, तो हमें क्या देखना है,
वही जो काम अभी तक हम करते आ रहे थे, लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई हमें ये कब करनी है आपके पास, जब आपका जो स्केल है, जब जो आपका स्केल की वैल्यू दी गई है वो बंद है, उसके अंदर कोई भी लेंथ हम मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बिफोर मेजरमेंट जो हम फाइंड आउट करेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से, बिफोर मेजरमेंट ठीक है, बिफोर मेजरमेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो जीरो एरर है, चाहे वो पॉजिटिव टाइप है चाहे वो नेगेटिव टाइप है, वो किसके इक्वल आएगा आपका, वो हमारा इक्वल आएगा लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई जब हम कोइंसाइडिंग ठीक है, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन होगी आपकी वर्नियर स्केल की, उससे जब हम लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जीरो एरर जो निकल कर के आ जाएगा। कब करना है ये काम हमने, ये काम क्योंकि हमारे पास जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही थी वो भी कुछ इसी तरीके से आ रही थी, बट वो कब आ रही थी आपकी, जब हमने उसमें कोई लेंथ रख दी और उसके बाद उसको मेजर कर रहे थे। यहाँ पर हमने क्या करना है, जब हमारे स्केल के अंदर कुछ नहीं है, दोनों जो उसके जाज थे वो मिनिमम से मिनिमम उसको ले गए जहां तक वो जा सकते थे, उनको एक दूसरे से टच करवा दिया, जब टच किया बिफोर मेजरमेंट, उसके बीच में अब कुछ नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे से टच है। इस केस के अंदर आपके पास जो उसका लिस्ट काउंट आपका, वो हमें पता ही है कैसे कैलकुलेट करते थे, उस लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई हमें जब वो बंद है, बिल्कुल कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उसके बीच में नहीं है, तब हमारे पास कोई उसकी एक ऐसी डिवीजन होगी जो वर्नियर स्केल पर और मेन स्केल पर मिलेगी, कोइंसाइड करेगी, मैच करेगी, तो उस डिवीजन से, वो कौन सी डिवीजन है, सेवन्थ है, सिक्स्थ है, फिफ्थ है, थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, तो उसको हम लिस्ट काउंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो एरर आ जाएगा, वो आपका जो एरर है मेन रूप से वो आ जाएगा। तो आपके पास उस दोनों ही केसेस के अंदर, नेगेटिव केस के अंदर भी पॉजिटिव केस के अंदर भी, वो हमारी क्या आ जाएगी, वो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, जीरो एरर की, ठीक है। और उस वैल्यू को जब हम टोटल रीडिंग में से माइनस करेंगे तो आपके पास उसका करेक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उनके अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ सके, आपको जल्दी से जल्दी उनकी नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्रू गेज, उसको हम उसके जो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।